हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू करियर पावर 247 बिलासपुर ब्रांच। आप सभी लोगों का मैं आशीष कुमार तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। तो बच्चों, आज हम लोग बनाने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन का सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपको याद होगा लेस देन 100 वाले, बेस में लेस देन 100, मोर देन 100, ये प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मैंने एनोटेशन इसलिए नहीं हटाया ताकि आप इन चीजों को रिलेट कर सकें। ठीक है, तो आप सभी लोग ध्यान से देखते चलेगा हम लोगों ने जो जो चीजें पढ़ लिए थे और आगे जो आज कंटिन्यू हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर, तो यहां तक मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिजिट हो गया था। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिजिट हमने सीखा था, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिजिट की और ट्रिक्स सीखी होंगी और ट्रिक्स या और क्वेश्चन जो है इसके ऊपर बनाए होंगे। आज जो है हम लोग इसके आगे बात करने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ थ्री डिजिट। थ्री डिजिट के मल्टीप्लीकेशन की क्या ट्रिक्स हैं, तो मैं आपको दो ट्रिक्स इसमें बताऊंगा। आप दोनों ट्रिक्स को ध्यान से समझिएगा और सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, एक थ्री डिजिट के दो नंबर्स लेते हैं और उनको मल्टीप्लाई करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, चलिए दो नंबर्स रैंडमली उठा लेते हैं। लाइक मान लीजिए अगर हमसे कहा जाए 256 इंटू 348, अगर इन दो नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है, अगर इन दो नंबर्स को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करने के लिए जो मेथड होती है वो ट्रिक का नाम है 1 2 3 2 1। 1 2 3 2 1 मतलब डिजिट्स में ऐसा करते हैं। 1 का मतलब आप सिंगल डिजिट, 1 6 × 8 करिए, 6 8 = 48, कैरी कितना बच गया, 4 बच गया। इसके बाद में 8 × 5 कर दिए, कितना हो गया, 40, क्रॉस में मल्टीप्लाई, दो डिजिट, पहले 8 डिजिट मल्टीप्लाई की, 8 × 6 = 48, 8 कैरी आ गया 4, फिर 8 को मल्टीप्लाई 5 से, 40 हो गया, और लिख लेते हैं इसको, 8 × 5 = 40 हो गया, एंड 4 × 6 कितना हो गया, 24 हो गया, 40 + 24 दोनों को ऐड कर देंगे, 64 हो गया, 64 + 4 कितना हो गया, 68, कैरी कितना बच गया, 6, इस बार कैरी बच गया कितना, 6। अब क्या करना है, थ्री डिजिट लेना है बच्चों, थ्री डिजिट्स लेना है, तो ध्यान से देखिएगा थ्री डिजिट में कौन कौन से, 8 × 2 किया कितना आया, 16 आया, 3 × 6 किया कितना आया, 18 आया, और 5 × 4 किया कितना आया, 20 आ गया, 16 + 18 हो गया कितना, 34, 34 + 20 कितना हो गया, 54, 8 × 6 = 14, 54 और 6 कैरी वाला और ऐड कर देंगे, 54 और 6 हो जाएगा कितना, 60, 60 हो गया, कैरी कितना बच गया, 5 से बच गया 6। अब इसके बाद फिर से कितने डिजिट ले लेंगे, दो डिजिट ले लेंगे, दो डिजिट कौन कौन से वाले लेंगे, लास्ट वाले दो डिजिट लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 = 8, 3 × 5 = 15, 8 और 15 कितना हो गया, ऐड कर देंगे सिंपली, 8 और 15 हो गया 23, 23 प्लस 6 हो गया कितना, 29, कैरी बच गया कितना, 2, 3 × 2 = 6 हो गया, 6 और 2 कितना हो गया, 8, 8 9 0 8 8 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थ्री डिजिट मल्टीप्लीकेशन में। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा, एक बार वापस जल्दी से रिपीट कर देता हूं, रिवाइज करा देता हूं, आप लोग समझ लीजिएगा और कुछ क्वेश्चंस खुद से भी ट्राई कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा सॉल्व करने की। आइए देखें कैसे। तो सबसे पहला 8 × 6 के 48, कैरी कितना बच गया, 4, 8 × 5 = 40 हो गया, 4 × 6 = 24 हो गया, 40 और 24 हो गया 64, 64 प्लस 4 हो गया कितना, 68, कैरी कितना बच गया, 6। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या किया, थ्री डिजिट 8 × 2 = 16 हो गया, 6 × 3 = 18 हो गया, 18 और 16 कितना हो गया, 34, 34 और 5 × 4 = 20 कितना, 54, 54 और 6 कितना हो गया, 7, 54 और 6 कितना हो गया, 60, कैरी आ गया 6, 4 × 2 = 8, 5 × 3 = 15, 15 × 8 = 23, 23 और 6 कितना, 29, 2 बच गया, 3 × 2 = 6, 6 × 8 = 8, 9 × 0 = 8 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गए अपने थ्री डिजिट के मल्टीप्लीकेशन। थ्री डिजिट मल्टीप्लीकेशन में अगर बात करें, और एक एग्जांपल लेकर के मैं समझा देता हूं आपको, अगले पेज में थ्री डिजिट का एक और एग्जांपल ले ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे लोग, सॉल्व कीजिएगा। आप सभी से मैं यही कहूंगा, घर पे खुद से और क्वेश्चंस ऐसे रैंडमली कुछ कुछ नंबर्स लेकर के उनका मल्टीप्लीकेशन कैलकुलेट करने का आप लोग ट्राई करें। जैसे कि एक नंबर ले लेते हैं 784 × 636, अगर हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 6 × 4 कितना आ गया, 24, 4 आ गया, कैरी कितना बच गया, 2। फिर इसके बाद टू डिजिट लेंगे बच्चों, तो यानी कि 6 और 8 किया 48 हो गया, 4 × 3 = 12, 6 × 8 = 48 और 12 कितना हो गया, 60, 60 और 2 कितना हो गया, 62, कैरी कितना बच गया, 6, 6 7 = 42 और 6 4 6 7 = 42 लिख लिया हमने,
और 6424 लिख लिया हमने, कितना हो गया 66 हो गया, और 8324 ये और लिख लिया हमने, तो कितना आ गया 44820 हो गया, 448 और 90 हो गया, राइट 48 हो जाएगा, 48 और 40 90, 90 और 6 कैरी था कितना 96, कैरी कितना बच गया 9। अब लास्ट वाले दो डिजिट लेंगे तो 7321 हो जाएगा और 6848 हो जाएगा, तो ये ऐड करेंगे 819 हो जाएगा 69, 69 और 9 कितना हो जाएगा 78, कैरी कितना बच गया 7, 6742, 42 और 7 कितना 49। तो उम्मीद करता हूं थ्री डिजिट का मल्टीप्लिकेशन बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, थ्री डिजिट का मल्टीप्लिकेशन ये कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ आया था उम्मीद करता हूं। इसके बाद अब मल्टीप्लिकेशन बाय 5 की बात करते हैं। आइए देखें कोई भी नंबर को अगर आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या ट्रिक होती है, तो बच्चों इसमें इंपॉर्टेंट ट्रिक होती है, जैसे एग्जांपल लेते हैं कोई सभी लाइक 62 × 5 करना है, तो ट्रिक ध्यान से समझिएगा इसके अंदर ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है कि अगर थोड़ी देर के लिए मैं कहूं बच्चों कि इसमें भी ऊपर में भी हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, ऊपर में भी 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे में भी 2 का मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, ओके एक मिनट, हाँ ठीक है, ऊपर में भी 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देते हैं तो क्या फर्क आएगा, फर्क ये आएगा 5 × 2 हो गया 10 और ये 2 का डिवाइड करेंगे 62 में कितना बचेगा 31, तो 310 ये हमारा करेक्ट आंसर है। मतलब किसी भी नंबर में अगर आपको 5 मल्टीप्लाई करना है और वो नंबर अगर इवन है, पहले मैं इवन के लिए बता देता हूं फिर ऑड के लिए बता देता हूं। इवन नंबर में अगर आप 5 को मल्टीप्लाई करते हो, कोई भी इवन नंबर ले लीजिए, दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं लाइक मान लीजिए आपको 384 में 5 का मल्टीप्लाई करना, तो आपको क्या करना है बच्चों, ट्रिक ये है 384 एक इवन नंबर, इसको 2 से डिवाइड करके 0 लगा, सिंपल 2 से डिवाइड करेंगे तो 192 आ जाएगा और 0 चिपका दिया आंसर, सिंपल। 5 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना है आपको, सिंपली उस नंबर को 2 से डिवाइड करके एक 0 लगा, 2 से डिवाइड किया 1920 आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं इवन के केस में ही, एक और एग्जांपल अगर ले लेते हैं तो एक और स्लाइड उठा है, तो मान लीजिए बच्चों आपको कहा जाए 1672 × 5, ओके, तो आप क्या करिए इस नंबर को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से जाएगा 816, 2 से जाएगा 3, 2 से जाएगा 6 और 0, 2816 236 26 12 और 0, 8360 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया अपना क्या 5 से मल्टीप्लीकेशन, और वो भी किसके केस में बच्चों, इवन के केस में। आप लोग खुद से कुछ नंबर्स लेकर के ट्राई कीजिए और इनको बनाने का प्रयास जरूर करें, और एग्जांपल्स लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके ये कॉन्सेप्ट्स उतने ही बढ़िया ब्रशअप होते जाएंगे। अगर अब मल्टीप्लीकेशन बाय 5 में ऑड नंबर का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, मतलब किसी भी ऑड नंबर को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें, किसी भी ऑड नंबर को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें, एक एग्जांपल लेते हैं जैसे 121 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। उससे पहले ये मल्टीप्लीकेशन करने से पहले मैं एक चीज आप सभी से पूछूंगा कि अगर हम 5 के ऑड मल्टीपल्स लें, लाइक मैं आपसे कहूं 5 × 1 = 5 हो गया, 5 × 3 = 15 हो गया, 5 × 5 = 25 हो गया, 5 × 7 = 35 हो गया, 5 × 9 = 45 हो गया। आप कहेंगे सर किसी भी नंबर ऑड नंबर को यानी विषम संख्या से अगर हम 5 का गुणा करते हैं तो यूनिट डिजिट पे हमेशा 5 मिलता है, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा यूनिट डिजिट पे क्या मिलने वाला है, 5 मिलने वाला है। मतलब इन क्वेश्चंस का ट्रिक क्या होता है, मैं डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा ऑड नंबर के केस में। तो जब कोई भी ऑड नंबर आए तो उस ऑड नंबर, इस स्पेसिफिक ऑड नंबर को ट्रिक बता रहा हूं डायरेक्ट 1 से माइनस कर दीजिए, 121 में 1 माइनस कर दिए बच गया 120, 120 का कर दीजिए हाफ, 120 का हाफ कर दिए कितना आ गया 60 और ये देखिए 5 लास्ट में आना है। तो मतलब ये ट्रिक हमें समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं। एक और एग्जांपल मान लो बच्चों आपसे कहा जाए 1279 × 5, तो आप कहोगे सर यूनिट डिजिट पे 5 आना पक्का, ओके यूनिट डिजिट पे 5 आना पक्का है। इसके बाद क्या करें, 1279 को 1278 करके 2 से डिवाइड करें, 2612 होगा, 236 होगा एंड 2918 होगा, सिंपल ठीक है, 2612 हो गया, 236 हो गया, 2918 हो गया, 5 आ गया, तो 6395 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। उम्मीद करता हूं बच्चों ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी आपको समझ में आया, राइट। नेक्स्ट बात करें मल्टीप्लिकेशन बाय 11, कोई भी नंबर को अगर आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, मैं आपको कहूंगा कि वीडियो को आप बीच में पॉज कर लीजिएगा और कुछ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करिएगा, फिर देन इसके बाद नेक्स्ट मेथड पे जाइएगा।
जैसे कोई भी नंबर, लाइक आपसे कहा जाए 36 को आप 11 से मल्टीप्लाई करिए, तो ऐसे केस में ट्रिक क्या याद रखते हैं बच्चों, 1 to 1, वही जो ट्रिक 2 digit मल्टीप्लीकेशन में थी 1 to 1। अब यहाँ 1 to 1 के मायने बदल गए। 1 to 1 मतलब सिंपली आप 6 रख लीजिए सबसे पहले, और 2 मतलब इन दोनों डिजिट को ऐड कर दीजिए, 6 और 3 ऐड करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा, और 3 एज इट इज रख लीजिए। इसके बाद एक और एग्जांपल, लाइक मान लीजिए आपको कहा जाए 137, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं किसे 137, अभी 3 डिजिट नहीं लेते, पहले 2 डिजिट ही ले लेते हैं, एक और पहले 2 डिजिट ले लेते हैं, फिर 3 डिजिट को लेकर के देखेंगे। मान लीजिए हमें मल्टीप्लाई करना हो 86 को 11 से मल्टीप्लाई करना हो, तो सबसे पहले 6 आ गया, 8 6 14, 4 कैरी कितना बच गया, 8 6 14 कैरी 1 बच गया बच्चों, तो 8 में 1 कैरी ऐड कर देंगे, 8 1 9 हो जाएगा 946। एक और एग्जांपल लेते हैं 2 डिजिट नंबर ही, जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए 79 को मल्टीप्लाई करना हो 11 से, तो आप कहोगे सर सबसे पहले यूनिट डिजिट पे 9 आएगा, फिर 9 7 16 आ जाएगा, कैरी कितना बचेगा 1, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 869। तो ये हो गए हमारे 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन के साथ 11 का मल्टीप्लाई। अगर 3 डिजिट नंबर, जैसे कि मैंने एक नंबर लिखा था 3 डिजिट नंबर हो, लाइक 136, इसको मल्टीप्लाई करना है बच्चों अगर आपको 11 से, तो ध्यान से देखिएगा ट्रिक वही रहेगी, 1 to 1, मैक्सिमम 2 डिजिट ऐड कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो मतलब कहने का सबसे पहले 6 रख लिए, फिर 6 और 3 इन दोनों को ऐड किया कितना आया 9, तीनों डिजिट ऐड नहीं कर सकते इसलिए अगली बार 3 और 1 को ऐड कर देंगे, 3 1 4 हो जाएगा और लास्ट में 1 हो जाएगा। तो ये ट्रिक है मल्टीप्लीकेशन बाय 11 में, उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी आप सब, ठीक है। इसके बाद जो है अगला, हम मल्टीप्लीकेशन बाय 11 में ही आपको, जैसे मैंने 3 डिजिट लेकर के दिखाया, एक और 3 डिजिट लेकर के देख लेते हैं। जैसे मान लो आपको कहा जाए 847, इसको अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो 11 से, तो क्या ट्रिक, ट्रिक वही है 1 2 1, तो सबसे पहले 7 हो गया, 7 प्लस 4 कर देंगे 11, कैरी कितना आ गया 1 आ गया, पहले ये ऐड किए थे, अब इन दोनों को ऐड करेंगे 8 और 4 12, 12 प्लस 1 13, कैरी कितना बच गया 1, और 8 1 कितना हो जाएगा, उम्मीद करता हूं सब बच्चों को समझ, ठीक है, ओके। तो मल्टीप्लीकेशन बाय 11 ये रहा। तो मल्टीप्लीकेशन में बच्चों इतनी ट्रिक्स हैं, पिछला वाला वीडियो और ये वाला वीडियो दोनों आप कंबाइन करके देखेंगे तो डेफिनेटली मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आज का सेशन बढ़िया लगा होगा, मिलते हैं अगले सेशन में, नेक्स्ट सेशन में, जो कि होने वाला है अपना कौन सा सीक्वेंस में रहेगा, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के लिए, अभी के लिए थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।